सकते हैं कि वे कहते हैं कि हदीस बुखारी या मुस्लिम शरीफ में, मतलब है कि ये कहते हैं कि जो रफ़ैदैन की हदीस है जिस पे हम अमल करते हैं, हम कहते हैं कि रफ़ैदैन की तर की हदीस भी बहुत हैं, और ये कहते हैं कि आप दिखा दें कि यार वो हदीस मुस्लिम शरीफ में या बुखारी शरीफ में किसी भी से संबंधित नहीं है। दोनों के भाई का मसला बना हुआ था ना, मुझे फूल बर्बाद किए थे सर। फिर मैंने कहा ठीक है, अगर हदीस हो तो हम देख लेंगे हदीस, इसके लिए हम आए थे। मौला असल में मसला ये है कि हमारे नज़दीक रफ़ुल यदैन भी साबित है, हज़रत पाक अलैहिस्सलाम ने रफ़ैदैन किया है, मैं रफ़ैदैन का इनकार नहीं किया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ैदैन छोड़ा भी है। जैसे करना साबित है वैसे छोड़ना भी साबित है। तर्क रफ़ा की रिवायत सही बुखारी सही मुस्लिम में मौजूद है। मुस्लिम शरीफ में अगर आप देखें तो हज़रत जाबिर इब्न समूरा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत जिल्द अव्वल में है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं हज़रत पाक अलैहिस्सलाम निकले, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अलैहिस्सलाम निकले हैं और हम नमाज़ पढ़ें, तो हज़रत पाक ने फरमाया माली अराकुम राफी अयदीकुम कअन्ना अज़नाबु खैरिन शुम्स, ये तुम क्यों घोड़े शरीर घोड़ों की तरह दो में हिला रहे हो, उसको नफिस सलाम नमाज में सुकूनत इख्तियार। ये हदीस जो है ये कौन सी बाब है? ये इसका बाब हज़रत इमाम नवी रहमतुल्लाह ने कायम किया है सलाम के बारे में, सलाम के उस बाब में। हमसे ज़्यादा फ़कीर जो थे वो तो इमाम बुखारी भी थे, मुस्लिम भी, इस तरह इमाम दूस किसी ने ये हदीस इस किताब सरत में क्यों नकल नहीं किया? ये इसका ताल्लुक तो है ना नमाज के साथ है ना, और ये सलाम के साथ। असल में हज़रत जाबिर इब्न समूरा से दो हदीसें मौलू जी, एक सलाम की एक पूरी नमाज की है, इसीलिए इसको नमाज का जिक्र कर सलाम का जिक्र कर दिया। तो वो नमाज वाला हदीस जो है उसमें भी इसका जिक्र है कि नहीं? नमाज वाली यही है जो मैंने पढ़ी। अच्छा, सलाम वाली इससे हट के है। अच्छा। इसके साथ ही मौजूद है, दोनों एक सहाबी से, इसलिए एक बात में आ गए। नहीं, एक बात में तो आ गया ना, किताब सरात तो नहीं है ना, इसका ताल्लुक तो नमाज के साथ तो नहीं होता। नमाज से उसको नो फिस सलाह, हुजूर फरमाते हैं पूरी नमाज में सुकून इख्तियार करो। हाँ, ये नमाज है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये नबी अलैहिस्सलाम शरीर घोड़ों की दुम के साथ मुशाबे भी है। मिसाल के नबी अलैहिस्सलाम जब पहले किया करते थे तो नबी अलैहिस्सलाम किस तरह करते थे? मौलाना मैंने हदीस पढ़ दी जी, सही मुस्लिम से पढ़ी, हुजूर ने कह दिया है शरीर घोड़ों की तरह तुम ना हिलाओ। अब इस पर अगले सवाल आप क्यों करते? नहीं, इसमें तो वजाहत तो नहीं है मौलाना। एक मिनट, मैंने हदीस पढ़ी, हदीस पढ़ी, हदीस में हुजूर ने फरमाया रफ़ुल यदैन नहीं करो, माली अराकुम राफ़िई अयदीकुम, ये राफ़िई अयदी क्या है? अभी इधर देखो ना, नमाज का जिक्र नहीं है। मैं पूरी पढ़ रहा हूँ, सुनो एक बार फिर, तो आपने सुनी नहीं। मुस्लिम उठा के अभी दिखा दूंगा, पहले हदीस जरा समझे। हजरत जाबिर फरमाते हैं खरज रसूलुल्लाह व कुन्ना सल्लैना, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर निकले, नमाज का जिक्र आ गया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया माली अलाकुम राफ़ी अयदीकुम, मैं तुम्हारे हाथ का रफा क्यों देख रहा हूँ, क्यों रफा कर रहा? ये रफा का लफ्ज़ भी आया अयदी जमा कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुम्स, गोया शरीर घोड़ों के दुम है। ठीक है, ज़नब की जमा अज़नाब, खैलिन शुम्स खैल घोड़ों और शुम्स शरीर, उस कुनू फिस सलाह, नमाज में सुकूनत इख्तियार करो। अब नमाज की बात भी नहीं, ये तो रफ़ुल यदैन के बारे में है नहीं ना, ये राफ है, हुजूर ने जो फरमाया राफ यही देखो, राफ यही देखो अपने हाथों को, तो हाथों को हिलाने के बारे में क्या ये तो नहीं बताया ना कि रफ़ुल यदैन जो आप रुकू के बाद करते हो, रुकू से पहले करते हो ना? अल्लाह नमाज में रफ़ुल यदैन कहाँ करते हैं? रुकू से पहले, तो नमाज के अंदर है या नमाज से बाहर? नमाज के अंदर। तो हुजूर ने उसी की बात की? नहीं, इससे तो हम निकालना चाहते हैं ना। नहीं, हम नहीं निकालते, मैंने हदीस पढ़ दी है, हम नमाज में रफ़ुल यदैन कहीं भी नहीं करते। इसका तर्जुमा किसी ने तो किया होगा। एक मिनट बोलना, मैंने हदीस पढ़ी है, आप क्या थे मैंने तर्जुमा गलत किया? नहीं, आपने तर्जुमा सही किया। ठीक है, फिर बात सुनो, किसी हदीस ने भी किया होगा ना? मैं कई मुहदीस पेश कर सकता हूँ, अगर मुहदीस पेश करूँ तकलीद हो जाएगी, आप तकलीद के कायल नहीं है, इसलिए मुहदीस पेश नहीं करते। तर्जुमा माना, ये तो तकलीद नहीं है मौलाना, तर्जुमा तकलीद नहीं है। तकलीद किसे कहते हैं? तकलीद तो उसका दलील है ना हमारे पास मौलाना। तकलीद का माना क्या है आपको? तकलीद बगैर तहकीक की बात माना। ठीक है, इस की बात मना करें ना, अल्लाह अलग रसूल भी करें, जो अल हदीस के असूल है उसके दौर में तकलीद था नहीं ना हजरत। एक बात करता हूँ, जब हुजूर के दौर में तकलीद नहीं थी तो आप अभी क्यों कर रहे हैं? आप तो नहीं करते ना मौलाना तकलीद। देखो आल हदीस पता क्या करते हैं, आल हदीस के दो असूल, अती अल्लाह व अती रसूल, आप अल्लाह से दिखाएं तकलीद का माना या रसूलुल्लाह से दिखाएं। इसीलिए मैंने अल्लाह अलग रसूल वाली बात की है, मैं मुहद्दिसीन के चक्रों में नहीं पढ़ा। आपने बाप पूछा, मैंने नहीं बताया बाप बांधा इमाम नौवी ने, इमाम नौवी आठवीं सदी का बंदा है, इमाम वनीफा पहली सदी का बंदा है,
अगर नौवी का बाप मोतबर है तो पहली सदी का अबू हनीफा मोतबर क्यों नहीं? मैं पूछ सकता हूँ, इसलिए मैंने बाप के चक्रों में नहीं पढ़ा। छोटी सी बात है, हजरत पाक अलैहिस्सलाम के लफ्ज है, सही मुस्लिम है, आप मान चुके हैं सही किताब है, और आप ये भी मान चुके हैं कि उसमें रफा का भी लफ्ज है, यदैन का भी लफ्ज है, और ये भी मान चुके हैं कि मैंने उसका तर्जमा भी ठीक किया है। तो हुजूर ने फरमा दिया रफुल यदैन घोड़े को दुम हिलाने की तरह है, और ऐसा घोड़ा जो शरीर है उसमें तो एक मिनट बात सुन, उस कुनूफ सला नमाज में सुकून इख्तियार करो। अब अगर आप रफुल यदैन करना चाहते हैं तो आप ये कहें कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो ये जो मैंने कहा था ये हुक्म अल्लाह ने कहा लिया है, अब रफुल यदैन करो। अच्छा, आप ये जो हदीस पेश करते हैं आपको इसके बारे में सही इलम है कि ये रफुल यदैन के बारे में? मौलाना मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें रफा का लफ्ज है? बिल्कुल नहीं नहीं, एक मिनट, बाद में आपको मानता हूं। मौलाना इल्म को छोड़ें, इल्म है तो बयान करो, जहालत से तो कोई बयान नहीं करता। ये मैं नहीं कहता कि आप जहालत से बात, मैंने मेरा मतलब ये है कि आप खिलाफ में अल्लाह को भी जवाब देना क़यामत के दिन। अगर क़यामत के दिन अल्लाह आपको कहे कि आपने इस तरह फला लोगों के सामने इस तरह हदीस का ये तर्जुमा किया था, मिसाल के हर ये तबत यदा बेरा मतलब ये सूरज जो है कुछ लोग इसका माँ अपना मालूम का तर्जुमा किस तरह करते हैं, माँ का सब उर्दू बना लेते हैं ना उधर से, इसी तरह हम भी यही कहते हैं ना कि एक हदीस का तर्जुमा एक आप एक अंदाज के साथ करते हैं, दूसरे शिया दूसरे अंदाज करते हैं, हदीस दूसरे अंदाज से करते हैं, देवबंदी दूसरे अंदाज से करते हैं, इस तरह बहुत सारे हदीस है ना, हर आदमी अपना मतलब ले लेते हैं, अपना मतलब लेते हैं ना, इस तरह हम ये कहते हैं ठीक है आपने जो तर्जुमा किया है, अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ने आपसे पूछ लिया इसके बारे में, अब इस बात पर मुतमैन है कि मैं यही जवाब दूँ? मैं 1000% मुतमैन, 100%, 1000%। आप मेरा तर्जुमा नहीं मानते? नहीं, मैं मानूंगा आप तर्जुमा अरबी लुगत के मुताबिक। आप जो आपने जो तर्जुमा किया है मैं ये कहता हूँ आपके मुकल्लिम से, आजकल के नहीं पहले दौर के मुकल्लिम है ना, उन्होंने इस हदीस का तर्जुमा किया। अगर मैं दिखा दूं मिरकात में मुल्ला अली कारी ने यही तर्जुमा किया तो शारे मिश्कात मुल्ला अली कारी शरा निकाया सफ़ा 78 जिल्द अव्वल। अच्छा। मक्का के मशहूर मुहद्दिस मुल्ला अली कारी फरमाते हैं हाजा हदीस रवाह मुस्लिम वयुफीदुन नसर। ये हदीस इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है। अच्छा। और ये रफुल यदैन को मनसूख कर रही है। अच्छा। आप शरा निकाया उठा लें और मैंने इसकी तस्वीर खींची हुई वहाँ देख लें। आपको 10 मुहद्दिस पेश कर सकता हूँ जिनने इस हदीस से इस्तदलाल किया। मुझे सेंड करें और सेट तो हो जाएगी, लेकिन एक मिनट बाद में कर दे, कोई मसला नहीं है, आप छोड़ें मोबाइल वाला आप छोड़ें। देखो समझने के लिए हम बैठे हैं, किसी को प्रपोज करने के लिए नहीं बैठे हैं, समझने के लिए। भाई देखो बात टेबल टॉक का मकसद, आलम बंदे का मकसद लड़ाई नहीं हो, लड़ाई नहीं है, बिल्कुल राइट। सेटिंग उल्टो चेक किया, सेटिंग किया पहले मुझे माउंट पर बोला कि मत ना मुझे। आप कहां तक इधर ही हैं? मैं कल तक गया, कल ईशा तक, कल ईशा से पहले, ईशा से थोड़ा पहले, मगरिब से पहले पहले, क्योंकि मैं हर महीने यहां 3 दिन आता हूं, ये हमारे हजरात हैं बस इनसे थोड़ी गपशप लगाने की। ये मौलवी अजहार हैं, अजहार इनके खादे में थे, ये सच्ची में बताएं ना क्या नाम आ रहा है, आ गया अब्दुल कदीर कुरैशी, कौन है ये? मैं अब्दुल वाहिद कुरैशी हूँ। मैंने आपको इसलिए कहा इल्ल मवद्दत फिल कुरबा, अगरचे इसका माना ये नहीं बनता आप आलिम है, लेकिन मैंने उसके कुर्बा से इस्तेमाल किया। आ गया फिर सेंड कर दो, फिर सेंड कर दो करें सब। आ गया
एक बात आपको बताऊं भाई अब्दुल कदीर, अच्छा नाराज तो नहीं होगा? लेकिन मुझे लगता है आपकी रफुल यदैन पे मालूमात नाकिस है। इसकी वजह पता क्या है? रफुल यदैन पे जिस आदमी ने मुताला किया ना उसके सामने हदीस गुजरी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मुस्लिम पढ़ाई है तो मुझे मालूम है इसमें अच्छा कोई मसला नहीं। हम जब आल हदीस हजरात, मेरे वाले साहब की नानी के खानदान आल हदीस है और मेरा आल हदीस उसे बचपन से वास्ता है, मैं उनके साथ रहा हूँ। ये आप अल्लाह के लिए ये मत समझना कि भाई मैं आप पे एतराज़ कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ मसला समझा रहा हूँ। मैं आल हदीसों के साथ बड़े अरसे से हदीस पेश करता हूँ, मुझे आज तक आल हदीस इसका जवाब नहीं दे सके। ये हदीस पाक मौजूद है, फौरन यही सवाल करते हैं भाई अब्दुल कदीर जो आपने किया कि किस बाब में है। मैंने उसे कहा ये बाब का नाम अल्लाह ने रखा है? नहीं। रसूलुल्लाह ने रखा? कहते हैं नहीं। बाब का नाम किसने रखा? कहते इमाम नौवी ने। इमाम नौवी 9वीं हिजरी हिजरी का बंदा है, अगर ये मोतबर है तो पहली हिजरी का अबू हनीफा साहबा का शागिर्द मोतबर क्यों नहीं है? इमाम नौवी इसका बाब बांधे, तुम हुजूर पाक अलैहि सलाम की बात करो। एक आलदीस है मौलाना आमिर करीम, शायद आप जानते हो, मुजफ्फरगढ़ के आलदीस हुआ, पहले ममाती थे सबका दो बंदे ममाती थे, ममाती से फिर वो आलदीस। तवज्जो करें भाई आप हमारी बोलना शुरू। मैंने सिर्फ इसलिए बैठने दिया कि आप बात सुन रहे हैं, सुने बोले नहीं। आमिर करीम साहब से मेरी बात हुई, वो मुझे कहने लगे, फोन पे बात हुई है, शायद मुझे जानते हो शायद मुझे ना जानते हो, अल्लाह तआला के सब, मुझे कहने लगे कि हजरत इससे पिछली हदीस पढ़े, पिछली हदीस में लफ्ज आया हुआ है कि ये वो सलाम मुराद है जो सहाबा, वो रफ़ा यदैन मुराद है जो सहाबा इकराम सलाम के वक्त करते थे। मैंने कहा कैसे? कहते इमाम बुखारी फरमाते हैं सहाबा इकराम तो सलाम ने एक तरफ सलाम फेरा फिर दूसरे तरफ सलाम, वो अशारा भी जानी भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम, ये रफ़ुल यदैन माना। मैंने आमिर कलीम साहब से ऐसे ही कहा जैसे भाई आप मुझे कह रहे हैं अल्लाह को हाजिर नाजर सब। मैंने कहा मौलाना आमिर कलीम सर एक बात आपसे कहता हूँ, मौलवी तुम भी हो मौलवी मैं भी हूँ, फोन पे बात हो रही है कोई तीसरा नहीं सुन रहा, ये आपके साथ दो बंदे बैठे होंगे, दो बंदे मेरे साथ बैठे हैं, एक बात आपसे पूछता हूँ, ये जो अस्सलाम वालेकुम के बाद साहब सलाम करते थे ये नमाज के अंदर होता था या नमाज के बाहर? मौलाना ने बड़ी देर, मैंने कहा मौलाना एक बात मुझे बता दें, आप कहते हैं ये सलाम वाला रफ़ुल यदैन मुराद है, इस हदीस में सलाम का लफ्ज नहीं है, चलो मैं मान लेता हूँ पिछली हदीस में जो सलाम है, सलाम नमाज के अंदर है या बाहर है? वह तहलील व तस्लीम तिरमिज़ी की पहली हदीस है, नमाज से निकलने का नाम सलाम, तो सलाम नमाज से निकल गया ना, तो सहाबा नमाज से निकल के इशारा करते थे, उसने कहा जी हाँ। तो मैंने कहा हुजूर इसमें फरमाते हैं उस्कुनू फिस्सलाम, ये नमाज के अंदर सुकून इख्तियार करो तो ये सलाम वाला रफ़ुल यदैन नहीं है। तो मैंने कहा फिस्सलाम है बाद सलाम नहीं है, तो आप किस बुनियाद पर कहते हैं? मुझे कहने लगे तुझे इलम ज्यादा है या इमाम बुखारी को ज्यादा है? इमाम बुखारी ने कहा इससे मुराद सलाम वाला रफ़ुल यदैन। मैंने कहा अब बात आ गई रिजाल पे, अब अल्लाह अल्लाह के रसूल से बात हट गई, अब मैं भी रिजाल पेश करूंगा। कहते हैं करो। मैंने कहा इमाम बुखारी हमारा शागिर्द है। कहते कैसे? मैंने कहा हनफी है, इमाम बुखारी की बुखारी उठाओ, इमाम बुखारी शागिर्द है मक्की में इब्राहिम का, मक्की में इब्राहिम शागिर्द है इमाम हनीफा का, इमाम बुखारी शागिर्द है उबैदुल्लाह बिन मूसा का, उबैदुल्लाह बिन मूसा शागिर्द है इमाम हनीफा का, इमाम बुखारी शागिर्द है अबू फजल का, अबू नुएम फजल इब्न दुकैन का, और ये शागिर्द है इमाम हनीफा का, इमाम बुखारी शागिर्द है अब्दुल्लाह बिन अबू आसिम अन्नबील ज़िहाक इब्न मखलद का, और ये शागिर्द है इमाम हनीफा का, इमाम बुखारी शागिर्द है उबैदुल्लाह बिन मूसा का, और ये शागिर्द है काज़ी अबू यूसुफ का, काज़ी अबू यूसुफ शागिर्द इमाम हनीफा का। तो मैंने कहा इमाम वनीफा इमाम बुखारी तो हनफियों के शागिर्द है, तुम शागिर्दों वाला माना करते हो, मैं उस्तादों वाला करता हूँ। वो आज तक मुझे नहीं बता सके, आप इस पे आज तहकीक कर लें, मैं कल इसको नहीं हूँ। आपके उलमा ने भी कुछ इसका तर्जुमा किया है ना? मौलाना मेरे उलमा की बात नहीं करें तो तकलीद आ जाएगी, तकलीद को छोड़े, अल्लाह अल्लाह के रसूल पे बात हनफी है, उससे बड़े ने उससे अच्छा माना किया, छोटे से गलती हुई है, हमने जाकर उसे कलवाया, मैं उस आलिम को भी जानता हूँ, उस आलिम ने जहाँ गलती की उसे भी जानता हूँ। आपने जो माना बताया ना वो मुल्ला अली करीम जी, ठीक है, जिस आलिम से गलती हुई है उसको भी जानता हूँ, उसने माना यही किया है, गलती उससे ये हुई है कि उसने ये कहा है कि ये रफ़ुल यदैन नमाज वाला मुराद बाद वाला है, पर ये गलती है। रफ़ुल यदैन की हदीस सिर्फ यही के नहीं हो रहा ना, एक मिनट, अगर एक हदीस हो तो नहीं माननी चाहिए? मानी चाहिए, क्यों नहीं? मैं अगर मैं ये कह रहा हूं रफ़ुल यदैन के तर्क में 8 हदीस है तो अभी फिल वक्त पढ़ सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। मिसाल के आपने एक ही पेश किया है ना, अब अगर हवाला मुझे और भी लिखिए। मौलाना फिलहाल इस एक का जवाब आप लेते हैं, कल उसकी वजह पता क्या? मैंने दूसरी पेश करनी है नसाई से, तीसरी पेश करनी है अबू दाऊद से, आप कहेंगे उसकी सनद सही नहीं है फला, इसलिए मैंने सही आयन की बात की। नहीं नहीं ये बात नहीं करता ना, मिसाल आप में तो कल जा रहे हैं,
अगर इसका हदीस आपके उलमा ने जो माने किया है, आपके बड़े उलमा ने जो माने किया है ना, आपसे कहते हैं ना उस्ताद, अल्लाह की कारी से बड़ा वो बंदा नहीं है जिसने गलत माना किया, अल्लाह की कारी से बहुत छोटा है आज के दौर का भी, शायद उसको उस्तादों में से कोई मिल जाए, उसको उस्ताद नहीं है, अल्लाह की कारी को उस्ताद निकलेगा, मैं उसको उस्ताद ना होगा, इमाम हनीफा फिर सबको उस्ताद, बस मैं तो किसी से पढ़ा तो है ना मौलाना, इमाम हनीफा ने सहाबा से पढ़ा, फिर क्या करेंगे, सहाबा से मिल जाएगा, तो सहाबा से अगर ये माना मिल जाए कि रफुल यदैन छोड़ दे तो छोड़ देंगे, ये जाबिर इब्न समरा से मिल रहा है मुस्लिम में छोड़, ये इसका मैं तर्जुमा देखूंगा ना मेरे उलमा की बात आप मानेंगे जी, हाँ तो फिर तो आप मुकल्लद हो गए, क्यों मुकल्लद हो गए, मेरे उलमा की तहकीक के साथ मानते हैं ना, नहीं एक मिनट शेर, मेरे बिला तहकीक, तो मेरे जिस आलिम ने मुल्ला अली कारी ने जो अभी माना किया ये मान लें, ठीक है मैं देखूंगा इसका तर्जुमा भी देखूंगा, देखें मैं कितने अच्छे अंदाज में बात कर रहा हूँ, आपका अंदाज ऐसा नहीं है, आप मुझे कह रहे हैं मैं आपके आलिम की तहकीक करूंगा, मैं कहता हूँ उलमा को छोड़ो, मेरे आलिम भी गलत होंगे, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपके उलमा की तहकीक करता हूँ, ये कहता हूँ कि आपके उलमा ने एक तर्जुमा इस तरह किया, दूसरे को भी देखेंगे, तीसरे को भी, तर्जुमा आप कर दें, आपने अभी कहा मेरा तर्जुमा ठीक किया, ये मेरी गलती निकाले, माली हराकों खराब आयत में तो कर ले, मैं कौन जमीर खिताब की है, मैं पूरा एक एक अहले हदीस है ना उसको उसका सलाम के अंदर वाला लेते हैं ना, हजरत अहले हदीस क्यों लेते हैं सलाम के अंदर वाला, ये हुजूर फरमाते हैं फिस सलाम, सलाम नमाज में होता है या नमाज से बाहर, आप उस वक्त मानेंगे नहीं, ये ठीक है, अभी अभी तो आपने पेश किया है, मैं अभी मैंने ही मानता, क्यों नहीं मानता, एक मिनट, मैंने हदीस पेश कर दी रफुल यदैन छोड़ने की जी, आप एक सही हदीस पढ़े जिसमें हो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हमेशा रफुल यदैन करते रहे, बुखारी से मुस्लिम से आप पढ़े, बुखारी में सफर नंबर 2 पर जो हदीस है हमेशा फरासी में लिखा है जी, ये इसमें हमेशा का लफ्ज है कि हुजूर ने हमेशा किया, का माना क्या होता है, जब वो रुकू से सर उठाते जब वो रुकू से सर उठाते जब उठाते मतलब क्या जिस वक्त उठाते, मैंने पूरी जिंदगी माना जी, अगर इजा का माना ये है तो इजा आता है मुजारे पे अक्सर, ठीक है, हदीस में है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम बुखारी ने फरमाया, काना यतूफ अला निसाईही बिगुस्ल वाहिद, नबी अलैहिस्सलाम एक बीवी से हम बिस्तरी फरमाते फिर तमाम से हम बिस्तरी करते गुस्ल एक करते, तो ये काना आया हुआ है, काना यतूफ अला निसाई, तो इसका क्या माना, हुजूर आज तक हम बिस्तरी कर रहे हैं बीवी से, ये इस्तिमरार मानेंगे यहाँ, मानेंगे नहीं मानेंगे, क्यों, तो इस तरह काना और इजा को छोड़े, मैं आपको बताता हूँ मेरी बात समझे ना, भाई अब्दुल कदीर जरा समझे, इधर जो मैंने माना कर दिया है ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छोड़ दिया है, हुजूर ने मना कर दिया मुस्लिम से, आप इस तरह दिखाएं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हमेशा करते रहे, करना हमेशा करना छोड़े, मेरा करने पे इख्तलाफ नहीं है, हुजूर ने किया है हमेशा नहीं, अच्छा किया है, किया तो मैं मानता हूँ, ये तो मेरी दलील है, ज़राफा जो आप पढ़ रहे हैं, आप वो रिवायत पेश करें हुजूर हमेशा करते हैं, छोड़ा नहीं, छोड़ने का हदीस जो है ना सरी, इस तरह जिस तरह ये सरी हदीस है, इस तरह सरी हदीस नहीं, जो हुजूर फरमा रहे हैं उस कुनु फिर सलाह नमाज में सुकून इख्तियार करो, शरीर घोड़े नहीं बने, ये शरीर सही नहीं है, इसमें तो इख्तलाफ है, अच्छा सही किस कौन सा इख्तलाफ है, आप कर ले, मैं यहाँ लिखे वाला हदीस लिखे जरा सही मुस्लिम उठा के, मैं तर्जुमा करता हूँ जिस तरह आपने मुफ्ती आमिर मुफ्ती आमिर कलीम का बात आपने बताया ना, मुफ्ती आमिर कलीम का आप उसके तर्जुमा क्यों नहीं मानते, मौलाना एक छोटी सी बात, आप मेरा तर्जुमा क्यों नहीं मानते, हम यही कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ मौलवियों को छोड़ो रसूलुल्लाह पे, पाए इख्तलाफ नहीं, मैं आपको यही कहता हूँ, बात इस तरह है ना, आपने जो हदीस पेश किया ठीक है, मैंने भी हदीस पेश किया, अब हम कहाँ गया, एक मिनट, हम आपको ये कहते हैं कि आपके उलमा ने मौला अली कारी हमारे उलमा की बात ही ना करें ना, आपने तकलीफ करनी नहीं है, तो एक मिनट मैं छोटी सी बात आपको सुनाऊं, मौलवी की बात बनी तो वो हनीफा सबसे बड़ा आपने कहा इस ये मैं बता दूं, एक मिनट ये देखें सफा 181 है जिल्द नंबर 6 मुस्लिम का, अन जाबिर इब्न समरा रजी अल्लाह तआला अन्हु काला खराज अलैना रसूलुल्लाह, हजूर पाक हमारे पास निकल कर आए, तो इसका माना ये हजूर पाक अलैहिस्सलाम इनकी नमाज देख रहे हैं ठीक है, फकाला फरमाया माली अराकुम राफी अईदीकुम, मुझे क्या हो गया मैं तुम्हें रफुल यदैन करते हुए देख रहा हूँ, अन्नहा अजनाब खैलिन शमसिन, गोया ये घोड़े शरीर घोड़े के दुम है,
اس کل صلاح نماز میں سکونت اختیار کرو تو یہ نماز والا رفع الیدین مراد سلام والا نہیں مولانا انور شاہ کشمیری جو ہے وہ بھی دیوبندی ہے اس نے اس کا ترجمہ کس طرح کیا مولانا انور شاہ کشمیری تو امام حنیفہ کو امام مانتے ہیں آپ مانتے ہیں ہم امام مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے امام حنیفہ آپ کے امام امام اعظم نہیں ایک منٹ آپ کا امام حنیفہ آپ کے امام میں آپ کے پیچھے نماز پڑھو آپ بھی میرے امام بن ایک منٹ مولانا ایک منٹ شیخ امام اعظم چھوڑیں آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو امام مانتے کیوں نہیں مانتے وہ رفع الیدین نہیں کرتے آپ نے زندگی میں کتنی نمازیں بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں اچھا امام حنیفہ رفع الیدین چھوٹی سی بات چھوٹی سی امام حنیفہ کے استاد بھی کرتے ہیں ایک منٹ چھوٹی سی بات سنو چھوٹی سی مولانا عامر کریم صاحب آپ کے عالم ہیں ان کے استاد تو دیوبندی ہیں آپ کے بغیر مولد بن گئے یہ بات مت کریں بات یہ ہے ایک منٹ چھوٹی سی بات ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں مسند امام اعظم ان کی کتاب موجود ہے انہوں نے کہا رفع الیدین ٹھیک ہے انہوں نے رفع الیدین چھوڑا ہے امام حنیفہ نہیں کرتے آپ کیوں کرتے ہیں ایک بات ایک پوری بات امام حنیفہ رحمہ اللہ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں آپ نے امام مانتے ہیں آپ 8 کیوں پڑھتے ہیں امام حنیفہ 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں آپ امام حنیفہ کو امام مانتے ہیں آپ 3 کو 1 کیوں کہتے ہیں امام حنیفہ 3 وتر کے قائل ہیں پورے سال میں آپ پورے سال میں کچھ دن 3 وتر اور کچھ دن 1 وتر پڑھتے ہیں آپ امام حنیفہ کی بات کیوں نہیں مانتے امام حنیفہ کی مسجد میں آج بھی کیوں رفع الیدین ہوتے ہیں مولانا ایک منٹ اگر کوئی کہہ دے حضرت حسین کی قبر پہ شیعہ پیٹتے ہیں تو تم پیٹو گے نہیں نہیں میں اللہ اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مسجد میں جو رفع الیدین ہوتے ہیں وہ اہل حدیثوں والا نہیں ہے وہ شافیوں والا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہیں برحق اچھا شافی جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے شافیوں کا رفع الیدین بالکل ٹھیک ہے شافی مذہب میں ہمارا رفع الیدین نہ کرنا بالکل ٹھیک ہے حنفی مذہب میں اہل حدیث کا رفع الیدین غلط ہے کیوں یہ الگ بات آ جائے گی اسی لیے فی الحال اس حدیث کو رکھ میں اس پہ بڑے شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں آپ ہنس کے یہ مت میں ابھی امام شافی کا رفع الیدین والا اٹھاؤں گا اور آپ کا رفع الیدین الگ ہوگا میں ابھی گنواؤں گا امام شافی کا 9 دفعہ ہوگا آپ کا 10 دفعہ ہوگا میں گنوا دیتا ہوں میں گنواتا ہوں امام شافی کا رفع الیدین 3 رکعت کے شروع میں نہیں ہے آپ کے یہاں ہے آپ کیسی بات کرتے ہیں امام شافی کے ایک منٹ امام شافی 20 رکعت تراویح قائل ہیں آپ 8 پڑھتے ہیں امام شافی جنازہ آہستہ پڑھنے قائل ہیں آپ زور سے پڑھتے ہیں امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنے مسائل ہیں جو آپ نے چھوڑ دیے امام شافی سے ایک بات لیتے ہیں ایک بات چھوڑتے ہیں ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں امام شافی رحمۃ اللہ ان کے لیے جائز وہ کر سکتے ہیں میں بتاتا ہوں وہ مجتہد ہے بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1092 امام بخاری فرماتا ہے امام بخاری نے فرمایا حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب له اجران وان اخطا له اجر مجتہد اگر ٹھیک کام کرے اللہ 2 ثواب دیتے ہیں غلط کام کرے تو اللہ 1 ثواب دیتے ہیں امام شافی کا رفع الیدین ہمارے ہاں غلط ان کے ہاں ٹھیک ہے اللہ نے 1 ثواب پھر بھی انہیں دیا ہے وہ مجتہد ہے اہل حدیث نہ مجتہد ہے نہ مقلد ہے نہ اسے ثواب ہے نہ اسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اچھی کام ہے اس لیے غلط ہے وہ ٹھیک ہے مانا ہی میں نہیں آتا ایک بندے نے نماز میں اللہ اکبر یوں کر کے ہاتھ سر باندھ لیے اس کی نماز ہوئی پھر بھی قرآن حدیث پڑھیں نہیں ہوئی پھر بھی قرآن حدیث پڑھیں ایک روایت ایک بندے نے اللہ اکبر کیا نماز میں ہاتھ یہاں باندھ لیے اس کی نماز ہوئی نہیں کون سی حدیث میں نبی علیہ السلام نے جو طریقہ ثابت ہے اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے کون سی حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہے حدیث پڑھیں عقل مت بتانا حدیث ہے حدیث یہ موجود ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ جس طرح باندھے اس طرح ہاتھ باندھنے سے فرض ہے ایک منٹ ہاتھ باندھے نبی علیہ السلام نے ہاتھ باندھے اس طرح باندھنے چاہیے اس کے علاوہ جو باندھے ہاں اس کی نماز نہیں ہوتی اب یہ کہہ دینا کہ اگر اس نے باندھ دیا حدیث پوچھی ہے حضور نے فرمایا ہو جس نے سر پہ ہاتھ باندھے اس کی نماز نہیں ہوتی ایسی حدیث ہے نہیں حدیث تو پھر آپ یہ مسئلہ کہاں سے دیکھیں گے حدیث ہے نہیں تو دیکھیں گے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ یہ ثابت ہونا آپ نے سمجھا ہے یا اللہ کے رسول نے بتایا تو آپ کی سمجھ معتبر ہے اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے آپ جو بات کرتے ہیں
आप ये जिद वाला बात भी क्या वाला कहाँ जिद वाला